अविनाश, आज ना ऑफिस से आते वक्त आप पालक की एक जूड़ी ले आना साथ में। आपके भैया को मेरे हाथ की पालक की सब्जी बहुत पसंद है और मीठे में गाजर का हलवा भी। अंकित ने स्पेशली फोन करके कहा है, उसे बहुत पसंद है। अविनाश, अंकित से बात हुई क्या पैसों के बारे में आपकी? अगर उसने पैसे देने के लिए हाँ कर दिया ना, तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी, हमारी एजेंसी बंद होने से बच जाएगी। ये सब बातें हम फोन पे थोड़ी कर सकते हैं। वो मेरा छोटा भाई है, माना मुझसे बहुत ज्यादा कमाता है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे भाई से आप पैसों की मदद नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? I'm sure वो आपकी बात सुनेगा। Yeah, I hope so too. पर तुम इतना करना कि उसे जो भी पसंद है उसका इंतजाम हो जाए। We all should be at our best behavior. उसे जो चाहिए वो मिले तो मुझे भी आसानी होगी पैसे मांगने में। और हाँ, दक्षु को कहना कि अपने चाचू को तंग ना करे, वो उसे बहुत पसंद करता है। स्कूल से छुट्टी करा लेना दक्षु की, ठीक है? ताकि अंकित उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा ना तो उसका मूड अच्छा रहेगा। दक्ष का नाम लिया और दक्ष आ गया। क्या बात है, तेरे अंकित चाचू आ रहे हैं। अपने फेवरेट चाचू से मिलने के लिए तैयार है ना? मैं तो तेरा फेवरेट चाचू हूं ना दक्षु। चाचू से मिलने के लिए तैयार है ना? अरे दक्ष। अरे लास्ट टाइम जब अंकित आया था ना तो उसकी फेवरेट गिफ्ट नहीं लाया था, इसलिए शायद अभी तक नाराज है। पगला कहीं का, मैं शाम को बात करती हूँ उससे। हाँ। ये देखो, कल स्कूल है और ये लड़का अभी तक सोया नहीं है। चलो दक्ष, गुड नाइट करेंगे। लेकिन पापा ने तो कहा था कि कल मैं छुट्टी करूंगा। अच्छा, छुट्टी इसलिए क्योंकि कल चाचू आ रहे हैं। तो अगर चाचू के साथ टाइम स्पेंड करना है तो छुट्टी पक्की, और अगर चाचू के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है तो नो छुट्टी। नहीं, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए। छुट्टी नहीं चाहिए? क्या हो गया, ऐसी क्या नाराजगी हो गई चाचू से? ओ अच्छा, वो टॉयज। मैंने कह दिया चाचू से कि लास्ट टाइम जो टॉयज आपको चाहिए थे और वो नहीं लेकर आए थे, इस बार वो लेकर आएंगे। दक्ष, क्या हुआ बच्चे, कुछ हुआ क्या? क्या हुआ दक्ष? इधर देखो बेटा, आपको पता है ना कि आप अभी मम्मी को कुछ भी बता सकते हो। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। सुधा। हाँ। मेरा चार्जर कहाँ है? बेड के बगल में जो टेबल है ना, उसकी फर्स्ट ड्रॉअर में रखा है। ठीक है, बताओ क्या बता रहे थे मम्मा को? मैं सो रहा हूं। अरे दक्ष, अच्छा ठीक है, कल बात करेंगे। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट दक्ष। दक्षु से बात की तुमने? हाँ करीम। अविनाश, उसे तो छुट्टी भी नहीं चाहिए, पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है वो। क्या लगता है आपको, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा ना? अरे बच्चा है वो, बचपना है उसका और कुछ नहीं। कल बात कर लेना। गुड नाइट। भाभी, भैया कैसे हो आप? बस तुझे देख के सब बढ़िया हो गए। अरे बस। अरे भाभी आप भी ना। क्या हो गया अंकित भैया, इतने पतले कैसे हो गए आप? अब आ गए ना भाभी आपके पास, खिला खिला के मोटा कर दे रहा। अरे ये क्या कर रही हो? अरे मेरे फेवरेट देवर जी घर आए, इतना नहीं करूंगी मैं। आइए चलिए, आइए अंदर आइए आप। लेकिन मेरा फेवरेट तो मेरा दक्षु है, कहाँ है वो? दक्ष, दक्षु,
दक्षु तेरे लिए अमेरिका से टॉय लेकर आया हूं मैं, समझा? अच्छे वाली स्माइल। अरे इतना सारा खाना खिलाया आपने, गाजर का हलवा खिलाया और अब आइसक्रीम। भगवान का सब, आपने मेरा 1 किलो बढ़ा करके मानोगी भाभी? तेरी भाभी के राग में यही होगा। ये लीजिए। अंकित, हाँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। अब बोलो ना भैया। अरे भैया, भाभी बोलो ना, बताओ ना। वो जब से ऑनलाइन टिकटिंग शुरू हुई है, हमारा ट्रेवल का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसे होते तो कंपनी से टिकट्स लेके रख लेते, ट्रैवल एजेंसी में थोड़ी मदद हो जाती। ये तो बहुत अच्छी बात है। कितने पैसे की जरूरत है? यही 1-2 करोड़। ये देखो, इसे देखो, इसे देखो। तू आइसक्रीम खा रहा है दक्षु? ये तेरा मुंह आइसक्रीम खा रहा है। इधर 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 इधर। हाँ, तेरा मुंह क्लीन कर दू। आज पकड़। मैं कैसे भी खाऊं, आपको क्या? दक्षु, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। अरे कोई बात नहीं भैया, बच्चा ही तो है। अरे आप डिनर में क्या खाएंगे बताइए मुझे? आपकी वो फेवरेट कचौरी बना दूं क्या? आपको बहुत अच्छी लगती है ना। अरे भाभी, आप जो खिलाओगी खा लूंगा। बिल्कुल। भाभी, मेरे सोने का इंतजाम कहाँ पे किया हुआ है? आज दक्ष ने आपको अपना कमरा देने का प्रॉमिस किया है। अरे वाह। दक्ष जी, थैंक यू। हैं? वैसे तुमको मुझे अपना कमरा देने की क्या जरूरत है? हैं? तुम तो मेरे साथ भी सो सकते हो, कि नहीं? वैसे भाभी, वो मैंने अपने अकाउंटेंट से बात कर ली है, तो मेरे भैया के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। थैंक यू अंकित। अरे भैया, अब एक भाई को दूसरे भाई को थैंक यू बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या? आप भी ना कमा लो। अच्छा मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। सोने चले, चले सोने। दक्ष, दक्ष क्या हो गया? कुछ नहीं, नाराज है मुझसे। पता है मुझे पिछली बार भी मैं इसके लिए खिलौने का वादा किया था, लेकर के नहीं आया था, लेकिन इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मैं लेकर के आया हूँ, बस बैग से निकालना बाकी है। गलती तो मेरी है ना। ए, देखो ये आए दक्ष के खिलौने। ये तुम्हारी कैंडल। तो देखो इतने सारे गिफ्ट है। 1, 2, 3 एंड दिस इज बबल मशीन। कौन खेलेगा इससे? वाओ चाचू, कितने सारे गिफ्ट्स लाए हैं। खेलेगा ना? ओ इतने सारे।
अरे चाचू है वो उसका, तुम भी ऐसी चिंता करें, चलो आओ। मैं आपके लिए कुछ और भी लाया हूँ। ये हेडबैंड और ये है इसकी न्यू शर्ट। मुझे इसकी न्यू शर्ट बहुत पसंद है। मुझे भी। चले इसकी शर्ट बदले। ये आ गया हमारा टॉम। और अब हम लोग बदलेंगे इसके कपड़े। बदले? हाँ। यस। इतनी प्यार से धीरे धीरे कपड़े उतारेंगे। धीरे धीरे जी कपड़े। स्टॉप इट चाचू। नहीं, डॉल को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, उसको शर्म आएगी। He will feel shy. चाचू से कैसी शर्म? बट पागल, कुछ नहीं होगा, ये देख। कितने प्यार से कपड़े बदलेंगे। ये 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 ये, ये उतारा और ये किया इसको प्यार। देख, आएगा इसको शर्म। देखो, डॉल को बुरा लगा? नहीं लगा। वैसे चाचू आपको प्यार करेंगे। बेटा प्यार करने के बाद चाचू जो अमेरिका से आपके लिए चॉकलेट लेकर के आए हैं, हम लोग वो खाएंगे। मुझे नहीं चाहिए चॉकलेट। अरे अरे सुन मम्मा। दक्ष मम्मा। दक्ष दक्ष, क्या क्या हुआ बेटा? क्या क्या हो गया? क्या हुआ? मुझे आपके साथ सोना है। अरे पर हुआ क्या बेटा? दक्ष दक्ष, अरे दक्ष मम्मा, मुझे चाचू के साथ नहीं सोना, मुझे आपके साथ सोना है। पर हुआ क्या बेटा? चाचू ने मुझे ऐसे करके गाल खींचा बस। पर मुझे अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा ठीक है भैया, सॉरी, I'm sorry। अंकित भैया आप जाकर सो जाइए, दक्ष आज यहीं सोएगा, थका हुआ है शायद इसलिए थोड़ा इरिटेटेड है। पर यहाँ कैसे सोएगा भाभी? जगह आप फिक्र मत कीजिए, आप जाकर सो जाइए। अंकित तुम भी थक गए होगे, जाके आराम करो। ठीक है भैया, फिर चला जाते। गुड नाइट दक्ष डार्लिंग, गुड नाइट भैया भाभी। सुधा सुधा, अरे तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, एयरलाइन के साथ आज मीटिंग है हमारी। अविनाश मैं दक्ष को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। अकेला कहाँ है, अंकित है तो। मैं दक्ष को अंकित के साथ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। मतलब? आपने देखा नहीं क्या, दक्ष अंकित के सामने कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, मुझे सही नहीं लग रहा है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, अरे बच्चा है वो, उसे कुछ भी पता नहीं है। और कल तुमने देखा नहीं अंकित के साथ कैसी मस्ती कर रहा था जब वो गिफ्ट दिखा रहा था उसको, और फिर उसका मन था तुम्हारे साथ सोने के लिए तो उसे बहाना मिल गया जब अंकित ने गाल खींचे तो। वैसे भी अभी सो रहा है, जब तक उठेगा हम आ जाएंगे, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ और प्रेजेंटेशन तुमने बनाया है, तुम्हारे बिना काम नहीं होगा। गुड मॉर्निंग भैया भाभी। गुड मॉर्निंग। अरे भैया सवेरे सवेरे रेडी होके कहाँ जाने की तैयारी है? अरे हमारी एक मीटिंग है और तेरी भाभी बोल रही है कि दक्षु को अकेला छोड़कर नहीं जाएं। अकेला? अरे अकेला कहाँ है दक्षु, मैं हूँ तो उसका चाचू। और आप निश्चिंत रहो भैया, वो जैसे सो के उठेगा मैं उसे नाश्ता भी करा दूंगा। लो भाई, इससे अच्छी कोई बात होगी क्या? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर रहा हूँ। और भाभी अब जरा भी परेशान मत हो, आप अपनी मीटिंग करके आओ, मैं हूं ना। सुधा चलो, देर हो रही है, चलो। चल रही हूं।
भाभी आप ना भाभी बेवजह परेशान हो रही हो। भैया आप समझाओ ना, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं ख्याल रखूंगा दक्षु का। आप लोग जाओ आराम से। भाभी जाओ, आप लोगों को लेट हो रहा है। चलो 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 चलो, आपको लेट हो रहा है। हेलो क्या अभी, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू। हाँ बाय बाय। अपने दक्ष को प्यार कर रहा हूँ। पर मैंने कहा ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगेगा? अरे अच्छा लगेगा। कैसे भूल सकती हूँ? अरे वो दक्ष के तोहफे पे जाके ले लेते ना। सॉरी सॉरी। चल चल चल। मम्मा का बेटा। बेटा चाचू लव्स यू। दक्ष दक्ष बेटा चाचू आपसे प्यार करते हैं। दक्ष डार्लिंग, दक्ष चाचू और दक्ष मिलकर के खेलेंगे बेटू। Darling. She loves you. That she loves you. She loves you. Oh. बेटा हाँ रो क्यों रहे हो? क्या हो गया दक्ष? बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं। देखो मम्मा पापा दोनों आपके साथ हैं। मुझे बताओ क्या है? डरने वाली क्या बात है भाभी, कुछ भी आप जबरदस्ती उसके मुंह से निकलवा रहे। दक्ष रोना बंद करो और मम्मा को साफ साफ बताओ क्या हुआ है।
चाचा ने मुझे टच किया। कुछ भी बोल रहा है दक्ष तू। भैया मैं इसका चाचा हूँ, मेरा भतीजा है, प्यार से इसके सर के ऊपर हाथ भी नहीं फेर सकता, हम पागल है क्या? आपको भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? अरे कम से कम आप तो विश्वास करो मेरे ऊपर, मैं आपका भाई हूँ, आप तो मुझे जानते हो, ये मेरा भतीजा है, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, छोटा बच्चा है, भैया कुछ भी बोले जा रहा है, मैंने तो हमेशा आपकी मदद की है और अभी भी करने वाला हूँ, भाभी तो कुछ भी सोच रही है। दक्ष सर बता, मैं तुझे कुछ किया? हाथ मत लगाना मेरे बेटे को। बहुत हो गया, मैं इस घर में नहीं रहूंगा अब, इससे ज्यादा मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। आप अपना बिजनेस अपने आप संभालो, एंड भैया बता रहा हूं, आई वॉन्ट अपोलॉजीज फॉर दिस और एल्स। तुम इस तरह घर से नहीं जा सकते। पहले पुलिस को कॉल कर दो, वरना सोएगा कहां पे? हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? भैया आपको गलतफहमी हो रही है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं आपका छोटा भाई, मैं भतीजे के साथ ऐसा कुछ सोच भी सकता हूँ क्या? ऐसा करने की सोच भी सकता हूँ क्या? भाभी तो कुछ भी बोल रही है, और आप पुलिस की बात कर रहे हैं, बुला लीजिए पुलिस को, अपनी बेइज्जती होगी। सही कह रहा है, बेइज्जती तो मेरी होगी, क्योंकि मेरा खुद का भाई ऐसी घटिया हरकत करता है, अपने खुद के भतीजे के साथ गलत हाथ लगाता है। अक्सर हम लोग घर में होने वाली इस टीजिंग को यह सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, फैमिली क्या बोलेगी, और जब छोटे लड़कों के ये साथ होता है ये सब, तो हमारे दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बच्चा है, बच्चे का इमेजिनेशन है, ये सोचकर हम खत्म कर देते हैं। ऐसे रिश्ते होने से तो अच्छा कि ना हो, मुझे पहले ही अपने बेटे को देखकर समझ जाना चाहिए था, उसका इस तरह से अनकंफर्टेबल होना, तेरे सामने नर्वस होना, मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे पर ध्यान ही नहीं दिया। सुधा पुलिस को फोन करो। भैया भाभी भाभी नहीं, भाभी हेलो, आई एम सॉरी, तुम्हें इंस्टिंक्ट थी भी, और मैंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि मेरा छोटा भाई है, ऐसा थोड़ी करेगा, आई एम सॉरी। आपको पता है हमसे ज्यादा बड़ी गलती क्या हुई, कि हमने अपने दक्ष को गुड टच और बैड टच के बारे में नहीं सिखाया। तुम सही कह रही हो, अगर हमने इसे गुड टच और बैड टच के बारे में बताया होता तो इसे हमें बताना आसान होता कि इसके साथ क्या हो रहा है। दक्षु, मैं आपको एक बात बताऊं, गुड टच और बैड टच के बारे में, तो बेटा ना हमारे बॉडीज में दो पार्ट्स होते हैं जो कोई भी टच नहीं कर सकता, दोस्तों हम लोगों के लिए इस कहानी को निभाना जितना कठिन था, इस किरदार को निभाना जितना कठिन था, उससे ज्यादा जरूरी ये था कि आप सभी लोगों तक ये कहानी पहुंचे, ये कॉज पहुंचे, ये मुद्दा पहुंचे, ताकि आप लोग, हम लोग और हमारे आसपास के सारे लोग सावधान रहें, अपने बच्चों को बचा पाएं अपने खराब रिश्तेदारों से, अपने खराब आस पड़ोसियों से। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि इस कहानी को फैलाएं और बच्चों को सिखाएं, इससे सीखें, समझें, हमारे कंटेंट के कीड़ा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फैला दें एकदम, फैला दो, यो बाय बाय बाय।
Thank you.